computer comprehensive machine hour rate for the machine in a production department A factory. मशीन क्या दिया है, कॉस्ट इंक्लूडिंग इंस्टॉल, कॉस्ट इंक्लूडिंग इंस्टॉलेशन चार्ज है, तो ऑलरेडी उसके अंदर इंस्टॉलेशन चार्ज इंक्लूड है. देन वी गॉट द एस्टिमेटेड लाइफ 10 ईयर्स है. और फिर क्या दिया हुआ है, एस्टिमेटेड सैलवेज वैल्यू, सैलवेज मतलब स्क्रैप, सैलवेज वैल्यू मतलब स्क्रैप वैल्यू, 10% स्क्रैप वैल्यू है, तो 20 लाख का 10% 2 लाख. वर्किंग आवर्स, नंबर ऑफ वर्किंग डेज, नंबर ऑफ वर्किंग डे 300 डेज है, ओके. एंड नंबर ऑफ शिफ्ट पर डे 2, मतलब 2 शिफ्ट में काम होता रहे, मॉर्निंग शिफ्ट और नाइट शिफ्ट और इवनिंग शिफ्ट जो भी बोलो. एंड द टोटल वर्किंग आवर पर शिफ्ट 7 आवर, और जब पर शिफ्ट 7 आवर, एक शिफ्ट में 7 आवर, तो 2 शिफ्ट में 14 आवर काम होता रहेगा, है ना. पर शिफ्ट में 7 आवर वर्क हो रहा है, और देयर इज अ 2 शिफ्ट, तो 14 आवर रोज का काम है, और कितने डे है, 300 डेज, तो 4200 आवर्स आएगा. 7 आवर्स पर शिफ्ट है, एक शिफ्ट में 7 घंटे काम है, एंड 2 शिफ्ट है, तो 14 आवर्स पर डे काम होता रहेगा कंपनी के अंदर. 14 आवर्स पर डे, तो 300 डेज का 4200 आवर्स काम होता रहेगा पूरे फैक्ट्री में. तो दिया हुआ नंबर ऑफ वर्किंग डेज 300, वी गॉट द नंबर ऑफ शिफ्ट पर डे व्हाट 2, एंड द टोटल वर्किंग आवर्स पर शिफ्ट 7. आगे क्या है, स्टॉपेज ऑफ फॉर रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, स्टॉपेज फॉर रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस 200 आवर्स, बराबर है. चलो अभी स्टॉपेज ऑफ रिपेयर मेंटेनेंस, यानी रिपेयर करने के लिए मशीन को रोकना, तो क्या रहेगा, अनप्रोडक्टिव टाइम रहेगा. स्टॉपेज फॉर द रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, तो मशीन उस टाइम यूज नहीं हो रहा होगा, मतलब स्टॉप, दैट मीन अनप्रोडक्टिव टाइम हो, तो 4200 आया माइनस 200, तो 4000 आवर्स हो जाएगा. चलो अदर ऑपरेटिंग एंड अदर कॉस्ट, वेजेस फॉर ईच ऑपरेटर, वेजेज फॉर ईच ऑपरेटर कितना दिया, 5000 पर मंथ, और ब्रैकेट में क्या दिया, 1 फॉर द ईच शिफ्ट. इसका मतलब क्या हुआ, एक शिफ्ट में एक ऑपरेटर चाहिए, तो 2 शिफ्ट में 2 ऑपरेटर चाहिए, 5000 पर मंथ है, तो दोनों ऑपरेटर का 10000 पर मंथ हो जाएगा, ओके ना. बिकॉज द वेजेज फॉर द ईच ऑपरेटर 5000, एक ऑपरेटर का 5000 रुपये, और द ब्रैकेट में क्या दिया है, 1 फॉर ईच शिफ्ट, एक ऑपरेटर चाहिए एक शिफ्ट के लिए, तो 2 शिफ्ट के लिए 2 ऑपरेटर, तो 2 ऑपरेटर का सैलरी हो जाएगा 10,000 रुपीज पर मंथ. सैलरी फॉर ईच सुपरवाइजर 7,500 पर मंथ है, हाँ वो तो पीएम साइड में लिखा है पर मंथ हो, सेम वैसे ही, तो 2 का कितना 15,000 हो जाएगा. और ब्रैकेट क्या दिया, ओनली 1/5 ऑफ द सुपरवाइजर टाइम विल डिवोटेड, बाद में क्या है 1/5 टाइम बस. इलेक्ट्रिक पावर 20 यूनिट पर आवर, ईच यूनिट कॉस्टिंग 3.20, तो 20 एक घंटे का कितना 20 यूनिट है, और 3.2. इंश्योरेंस चार्जेस ओके 5000 पर एनम. रिपेयर एंड मेंटेनेंस 12,500 पर मंथ. और क्या, रेंट रेट टैक्सेस 10,000 पर एनम. और फिर क्या, जनरल लाइटिंग 750 पर मंथ, एंड अदर फैक्ट्री ओवरहेड्स 1,40,000 पर एनम, ओके. तो अब इसके अंदर पहला क्या, वेजेज एंड ऑपरेटर, वेज ऑपरेटर क्या आएगा, वो रनिंग, सैलरी स्टैंडिंग, इलेक्ट्रिक पावर रनिंग, इंश्योरेंस स्टैंडिंग, रिपेयर रनिंग, रेंट एंड रेट्स स्टैंडिंग, ए क्या रनिंग, रेंट रनिंग आएगा, हाँ बोलने ही मत. उसका जनरल लाइटिंग स्टैंडिंग, अदर फैक्ट्री ओवरहेड्स भी आएगा स्टैंडिंग में, अदर फैक्ट्री ओवरहेड्स स्टैंडिंग बस. ये था क्वेश्चन 19 का पहला, जस्ट रीड द क्वेश्चन. चार्जेस फर्स्ट ऑफ ऑल, नंबर ऑफ डेज कितना दिया है, नंबर ऑफ डेज 300, राइट, ओके.
and per day working hour. My salary is 7 × 2, 14 hours. रोज का कितना काम होगा तो 14 hours. देखो एक शिफ्ट में 7 आवर है और रोज 2 शिफ्ट चल रहा है तो मतलब रोज 14 आवर्स मशीन यूज होता रहेगा. देयरफॉर टोटल आवर्स एक दिन में 14 आवर्स है तो 300 में 4200 आवर्स लेस अनप्रोडक्टिव आवर्स. तो अनप्रोडक्टिव आवर्स कितना है 200 आवर्स. देयरफॉर हो गया आपका मशीन आवर 4000 बराबर है. तो हो गया मशीन आवर का कैलकुलेशन फर्स्ट. चलो लेट टेक द वन बाय वन. पहला सैलरी टू सुपरवाइजर. कितना भाई 7500 पर मंथ है और उधर दिया है ईच वन शिफ्ट के लिए तो 7500 इंटू टू करने से क्या आएगा दोनों शिफ्ट का हो गया इंटू 12. मैं तो एकदम पूरा सटक गया क्या नहीं क्या इधर से इधर रखी रखने में आवाज आया बाप जी. 7500 × 2 × 12 ओके और इंटू 1/5 अपॉन 4000 बराबर है. ये था वन शिफ्ट का तो 200 मल्टीप्लाई 2 शिफ्ट के हो गया. ये 12 से क्यों कर रहा हूँ वो मंथली था डिवाइड बाय 4000 पर आवर के लिए और ये 1/5 क्यों बिकॉज 1/5 टाइम डिवोट कर रहा हूँ. 9 चलो उसके बाद क्या है इंश्योरेंस 5000 पर एनम है अपॉन 4000 1.25. देन रेंट रेट टैक्सेस 10000 पर एनम है अपॉन 4000. और ऐसा कुछ बोला कि कितना एरिया यूज़ कर रहा मशीन नहीं बोला है तो 2.5. देन जनरल लाइटिंग 750 पर मंथ इंटू 12 अपॉन 4000 2.25 sure. Other factory overheads 1,40,000 per annum upon 4000 35 3 5 6 15 50. देन क्या है रनिंग चार्जेज 5000 कितना हो जाएगा 5000 पर मंथ है कि वन शिफ्ट का तो इंटू 2 इंटू 12 अपॉन 4 फिर क्या है डेप्रिसिएशन भी है. हाँ डेप्रिसिएशन 20 lakh माइनस 2 lakh ना क्यों 2 lakh 10% स्क्रैप अपॉन लाइफ है 10 इयर्स 1,80,000
और फिर डिवाइड बाय 40,000 4,000 फिर उसके इलेक्ट्रिक पावर अब देखो 200 आवर जो था अनप्रोडक्टिव तो लेस ही कर दिया हम लोगों ने, ऐसा दिया कुछ सेटिंग अब टाइम है और प्रोडक्टिव है नहीं दिया है तो कोई जो तो नहीं है 20 यूनिट पर आवर और एक एक यूनिट का क्या रेट है 3.20 6.64 एग्जैक्ट। चलो उसके बाद रिपेयर एंड मेंटेनेंस 12,500 पर मंथ अपॉन 4,000 37.5। उसके बाद बस ना और कुछ है मेरे को तो नहीं दिख रहा, आप लोग दिख रहा है 101.5 पक्का नहीं रे 140 170 बोल रही है चना तो क्यों नहीं ली 176.5 मशीन आवर रेट 226.5 क्या करा रहे थे दो बार मैंने पढ़ा दूसरी बार पढ़ चुका हूँ मैं क्वेश्चन। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा ऑफ द टेक्सटाइल फैक्ट्री मशीन रूम कंप्यूट एंड आवरली मशीन अज्यूम दैट द मशीन नॉर्मली वर्क फॉर 90% कैपेसिटी थ्रू आउट द ईयर ओनली 90% कैपेसिटी। अगर मशीन की 100% कैपेसिटी 2000 आवर का है तो 2000 आवर नहीं चल रहा हो ओनली 90%, बाकी जो 10% होता है वो क्या होता है ब्रेक डाउन हो जा रहा है। इज अ रीजनेबल मतलब एक कॉमन है नॉर्मली 10% मशीन ब्रेक डाउन होता है, ब्रेक डाउन ना मतलब वो रिपेयर रेक्टिफिकेशन कुछ टूट फूट गया कुछ नुकसान हुआ उतने टाइम में मशीन क्या होता रहेगा अनप्रोडक्टिव यूज होता रहेगा, अनप्रोडक्टिव मतलब कुछ काम नहीं होता रहेगा। देयर आर द वेरी अब आगे इम्पॉर्टेंट है इस समय ये जो आवर्स कैलकुलेट करना वही इसमें है बाकी तो चिंदी है एकदम। देयर इज अ 3 days हॉलीडे एट दिवाली तो दिवाली का 3 दिन छुट्टी है 2 days एट होली एक दिन होली खेलने एक दिन होली का रंग छुड़ाने के लिए 2 days एट होली एंड 2 days एट क्रिसमस इज अ एक्सक्लूसिव संडे। एक्सक्लूसिव संडे मतलब संडे छोड़ के तो संडे जो अलग छुट्टी होता है तो होता ही है और प्लस ये जो फेस्टिव सीजन का छुट्टी है 3 days है दिवाली का 2 होली और 2 तो कितना 7 days 7 days फेस्टिव हॉलीडे हो गया बराबर है एंड द फैक्ट्री वर्क 8 hours अ डे फैक्ट्री जो है 8 घंटे रोज काम करता है 4 hours ऑन अ सैटरडे एक सैटरडे को ओनली 4 hours। नंबर ऑफ मशीन आगे दिया गया नंबर ऑफ मशीन ईच ऑफ द सेम टाइप है नंबर ऑफ मशीन ईच ऑफ द सेम टाइप 40 नंबर ऑफ मशीन ईच ऑफ द सेम टाइप यानी 40 मशीन है सब सेम टाइप के टोटल 40 मशीन है फैक्ट्री के अंदर ओके तो ऊपर पूरा पैराग्राफ में क्या है जो मशीन है वो 90% कैपेसिटी वर्क कर रहा है 10% अनप्रोडक्टिविटी ब्रेकडाउन होता है 7 days को फेस्टिव हॉलीडे मिला है संडे को छुट्टी रहता है उसके बाद सैटरडे को खाली 4 घंटे ही काम होते हैं और रोज का 8 hours वर्क डे है। तो इस तरह से हम लोग को पूरा आवर्स कैलकुलेट करना है पहले अब कितना घंटे काम हुआ रहेगा देखते हैं। चलो मैं आगे और फिर क्या दिया एक्सपेंसेस पर एनम है एक्सपेंसिव पर एनम सब एनुअली है पावर रनिंग लाइट स्टैंडिंग सैलरी स्टैंडिंग लुब्रिकेंट ऑयल स्टैंडिंग रिपेयर रनिंग डेप्रिसिएशन रनिंग लेकिन ये सब पर एनम है तो इसमें ज़्यादा कोई टेंशन नहीं है आवर्स का निकालना इम्पॉर्टेंट है। पॉज कर कैलकुलेशन ऑफ आवर इधर का दिख रहा है उसमें
8 आवर्स पर डे काम कर रहा है, हम लोग क्या करते हैं, अज्यूम कर लेते हैं एक भी छुट्टी नहीं है पहले, तो पूरे 365 दिन काम हुआ रहेगा। ओके, तो 365 डेज, तो टोटल आवर्स थ्री सिक्सटी फाइव डेज इंटू 8 कितना आ रहा है, 8 × 4 = 2920 इतना आ गया। ओके, टोटल आवर्स 365 × 8 कर लिया मैं, इतना आ गया। अब 365 लिया हूँ, उसमें संडे छुट्टी है, इन वन ईयर 52 संडे नॉर्मल रहता है, कभी कभी 53 संडे भी होता है, अब वो कभी कभी छोड़ दो, हम लोग एवरेजली 52 संडे लेंगे, तो लेस संडे ऑफ। मैं लेस क्यों कर रहा हूँ कि 365 तो हमने पूरा लिया ना, लेकिन संडे को तो काम नहीं हो रहा है, तो उतना उसको माइनस कर देंगे पहले, तो संडे ऑफ, संडे ऑफ, तो 52 संडे का 8-8 घंटा काम नहीं हुआ रहेगा, 8 × 2 = 16, 1 × 8 = 44, 41। ओके, समझ रहे मैंने क्यों माइनस किया हो, 365 जब बोल रहे हो आप तो पूरा 7 डेज पूरा ले रहे हो ना सब रोज वीकली, लेकिन वो संडे वाला तो काम नहीं हो रहा है, इसलिए उसमें माइनस कर दिया, बराबर है इतना। उसके बाद फेस्टिव ऑफ है, फेस्टिव ऑफ कितना दिन फेस्टिव का मिला है, 7 डेज मिला है, तो 8 7 दिन भी काम नहीं हुआ रहेगा, तो 56 आवर वो भी काम नहीं हुआ है, बराबर है। उसके बाद हमने 365 दिन पूरा अज्यूम किया कि 8-8 घंटे काम होते हैं, लेकिन सैटरडे को 8 घंटे काम नहीं हो रहा, 4 ही घंटे काम हो रहे हैं, बराबर ना। वो जब वो आप ऊपर 365 लिख रहे हो तो 365 × 8 मतलब मंडे टू सैटरडे संडे सब आप अज्यूम कर रहे थे कि पूरा 8 घंटा काम हो रहा है, लेकिन सैटरडे को 8 घंटा काम नहीं हो रहा है, 4 घंटा ही है, तो हम लोगों ने इधर पे 8 घंटा अज्यूम किया, तो उसमें से 4 घंटा लेस करना पड़ेगा, लेस सैटरडे 52 सैटरडे, तो उसका 4-4 घंटा माइनस कर दो, 208, बस ये लेस करो पहले, टू टू फोर इतना आवर्स आ गया, बड़ा समझो कैसे किया मैं। फर्स्ट प्रिज्यूम कर लेना है कि एक भी छुट्टी उसको नहीं मिलता रहेगा, तो पूरा 365 दिन पूरे 8 आवर्स काम होता रहेगा, तो इसका मतलब अगर छुट्टी नहीं मिलता तो 2920 आवर्स काम होता था। अब उधर बोला कि संडे भी एक्सक्लूसिव छुट्टी है, तो संडे का इसका तो काम नहीं हुआ रहेगा, तो 365 दिन में संडे हटाओ, तो संडे का 52 डेज होता है, और रोज का 8 घंटे तो माइनस कर दिया। आप चाहो तो ऐसे सब 365 दिन है सर, तो ऐसा कर लेते हैं ना पहले 365 दिन में संडे का 52 दिन माइनस कर दो, करने तो बहुत सारे तरीके हैं, तो कितना हो गया 3-1 मतलब 313 दिन काम है, संडे माइनस कर दिया। सर वो 7 दिन छुट्टी था फेस्टिवल वाला, तो 306 दिन काम हो गए, बराबर है। अब सैटरडे में भी 52 डेज है, ओके, तो मतलब आचार्य इसका मतलब ऐसा बोल सकते हो कि 26 सैटरडे काम हुआ रहेगा, एक सैटरडे 4 घंटा, तो 2 सैटरडे का 8 घंटा होगा ना, तो एन नंबर ऑफ कैलकुलेशन का पॉइंट है यहाँ। तो मैं क्या करता हूँ, 26 माइनस कर दो, तो 300 कितना बजे, 200 कितना बजे भाई, 280 कितना, 280 × 8 कर दो, आ रहा उतना रहेगा। तो आप ऐसा करो वैसा करो, जो भी करना है कर सकते हम लोग। तो मैं क्या किया हूँ, 365 डेज का 8 से ले लिया हूँ पहला, ये पहले टोटल ले लो, अब जितना वर्क नहीं हो रहा था सब क्या करना है, धीरे धीरे माइनस करते जाओ। तो संडे का काम नहीं ना, तो 52 × 8, फेस्टिवल का 7 डेज ऑफ था तो लेस कर दिया। ये क्यों लेस कर रहा हूँ, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे 365 में जो सैटरडे लिया वो 8 आवर्स के हिसाब से लिया है, और एक्चुअली मुझे कितना काम हुआ, खाली 4 घंटे काम हो, बाकी का 4 घंटे माइनस कर देता हूँ मैं, तो ये हो गया 2240 आवर्स। ओके,
इसका मतलब ईयरली 2 to 4 आवर्स काम होगा, लेकिन मशीन पूरे 100% कैपेसिटी काम नहीं कर रहा, 90% ही काम हो रहा है। बट मशीन वर्क ओनली 90% कैपेसिटी एंड 10% क्या हो रहा है, मैं अनप्रोडक्टिवली देता हूँ। इसका मतलब टोटल आवर्स था 2240 माइनस 10% अनप्रोडक्टिव 2016 इतना आवर्स क्या है, प्रोडक्टिव टाइम है। रिमेंबर ये एक मशीन का है और वहाँ पे 40 मशीन है, क्योंकि ये जो एक्सपेंस दिया ना बच्चों, ये जो लाइट पावर सब एक्सपेंस दिया हुआ, ऐसा नहीं हो कि वो एक एक्सपेंस का है, वो जो दिया है नंबर ऑफ मशीन ईच ऑफ द सेम टाइप 40 है और एक्सपेंसिव पर एनम बोला है, साल का इतना एक्सपेंस है। कहीं पे भी हिंट नहीं दिया कि वो मशीन एक मशीन का खर्चा हो, मतलब पूरा 40 मशीन का वो खर्च है। देयरफॉर टोटल मशीन आवर फॉर 40 मशीन 2016 इंटू 40 640 बस, तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट पर था, 80,640 आवर्स कैलकुलेट करना। तो फर्स्ट 365 × 8 आवर्स किया उन्होंने, उसमें जो जो छुट्टी था वो पर लेस करते गया। सर सैटरडे छुट्टी नहीं था, हाँ मालूम मेरे को, यहाँ मैंने जब 365 बोला तो उसमें 52 जो सैटरडे लिया वो 8 घंटे के हिसाब से लिया, तो उसमें से 52 का 4 घंटा माइनस करना पड़ेगा, इसलिए लेस किए। अब उधर बोला था 90% काम करता है तो 20% क्या है, अनप्रोडक्टिव है, तो इस टाइम में से 10% माइनस करो, दैट मीन एक मशीन का प्रोडक्टिव आवर्स कितना है 2016 है, बिकॉज दे गिवन दे 40 मशीन है और ऐसा कहीं हिंट नहीं है कि वो मशीन का एक मशीन का खर्चा है। वो ये जितने भी आइटम दिया हुआ है दे नॉट मेंशन एनीवेयर दैट इज एक्सपेंस ऑफ वन। ऊपर स्टार्टिंग में क्या होता है, फॉलोइंग डेटा ऑफ द टेक्सटाइल फैक्ट्री मशीन रूम, टेक्सटाइल फैक्ट्री मशीन रूम, यानी पूरा डेटा किसका है, वो मशीन रूम का, उस रूम में कितने मशीन है, 40 मशीन है। एक रूम में 40 मशीन आ जाएगा, अब अपने रूम के तो 10x10 का नहीं है ना। बस अब बाकी अब तो ये तो टीपी है। चलिए क्या है पहला पावर, तो रनिंग में स्टैंडिंग में क्या आएगा, लाइटिंग कितना भाई, 64,000 डिवाइड बाय 80,640। अब इतने बड़े बड़े डेटा से डिवाइड करना था, क्या करो ऐसा ही करो, और इसमें सब एक फ़ायदा क्या है, सब पर एनम ही है। अभी तक इस समय कहीं मंथली होता था, कभी वीकली मतलब ईयरली होता था, अलग अलग था, ओके इसमें सब है। तो मैं देखो ऐसा करता हूँ, अलग वो तो क्या बड़ा डेटा है, उतना डेटा बार बार डिवाइड करो, ऐसा करो, वर्किंग करने की जरूरत भी नहीं है, वो एक साथ कर लेंगे हम लोग। टोटल अमाउंट लाइटिंग कितना है, 64,000, और क्या है, सैलरी टू फोरमैन 1,20,000, फिर क्या भाई, लुब्रिकेंट ऑयल 6,600, बस ना बोलेंगे नहीं, 1,90,000 एक गया टोटल आ गया, ओके अब उसको उससे डिवाइड कर दो, तो 1,90,600 डिवाइड बाय 80,640 क्या बोली, 36 आगे 6 के बाद क्या है, 3.5 ना, फॉरगेट, चलो। तो समझा रहा क्या क्या मैंने, ये आप अलग अलग सबको डिवाइड करो बार बार चलता था, अब एक्चुअली क्या वो एक तो 80,640 वो इतना बड़ा डेटा है उससे डिवाइड करना बार बार है,
और प्लस सबसे फ़ायदा में क्या है उसका, सबका एक मंथली ईयरली अलग अलग नहीं है, एक ही पैटर्न पे है। वो भी नहीं दिया है, कहीं कहीं दिया जाता था 1/5 टाइम डिवोट हुआ है, 1/4 यूज़ हो रहा है, ऐसा भी स्प्लिट नहीं है, सब एक साथ पैटर्न पे है। तो टोटल करके बाद में एक साथ डिवाइड कर दो, ये हो गया ए। फिर रनिंग चार्जेस क्या क्या भाई इसके अंदर, पावर 312,000, फिर क्या है रिपेयर्स है 1,44,000, और फिर डेप्रिसिएशन 78,560 क्या हुआ 5,351 5,351,60 डिवाइड बाई 80,640 6.636 ये आ गया बी। मशीन आवर रेट